अध्यक्षता में नीति आयोग के चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। सीएम ने बैठक में स्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की मांग रखी। बैठक में सीएम ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए 37,000 करोड़ लागत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को केंद्र सरकार राष्ट्रीय दर्जा देकर राजस्थान की जनता को लाभान्वित करे। इसके अलावा सीएम ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगले 10 सालों तक 7,275 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने की मांग रखी है। राज्य ने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए सतही जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए केंद्र के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन कर उसमें केंद्र व राज्य का हिस्सा 50-50% करने की मांग भी रखी। जो आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का एजेंडा था, उसमें एजेंडा में तो स्वास्थ्य की जो योजना है नेशनल लेवल पे, जो आयुष्मान योजना से चलाई गई थी नाम से, और इसके अलावा गांधी जयंती का जो 150वां वर्ष है, और एग्रीकल्चर में कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, ये 3-4 एजेंडा थे। लेकिन जो राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने वहां पर बिंदु उठाया, उसमें खासतौर से वाटर को लेकर के काफी वार्ता की गई। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम ने प्रदेश के किसानों की आय का मुद्दा भी उठाया और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सब्सिडी मापदंडों में बदलाव की भी मांग रखी है। वहीं कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए SDRF मापदंड में भी बदलाव की बात कही गई। सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रदेश में होने के कारण सूखा राहत के लिए भी प्रति किसान 2 बीघा की सीमा को बढ़ाकर 5 बीघा की मांग रखी गई। साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की वास्तविक संख्या के आधार पर मदद देने की मांग केंद्र के सामने रखी गई है। मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली।